दिस इज द पाथवे। अब हमने क्या पढ़ा था, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इतना पोर्शन तो सब में ही कॉमन रहता है। सभी ऑर्गेनिज्म में जब रेस्पिरेशन होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो पहला स्टेप ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो सारा होता है जेली-लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म होता है आपका, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है इन साइटोप्लाज्म वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये सेल है, सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाहर जो ये सारा का सारा जो होता है ये क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो होता है इस साइटोप्लाज्म में, ये जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, किसमें कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट। और पाइरूवेट क्या होता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, पाइरूवेट में होता है 3 कार्बन। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद वाला प्रोसेस जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पाइरूवेट होता है इन बैक्टीरिया लाइक ईस्ट जो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करते, वो क्या करते हैं इस पाइरूवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जो अभी मैंने आपको बताया इनएक्टिविटी फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो पाइरूवेट होता है ईस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, ईस्ट क्या करता है, बैक्टीरिया लाइक ईस्ट क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस पायरूवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं पायरूवेट को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और इस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या कहोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया, क्या कहोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होती है और इसमें जो एनर्जी है वो कम मिलती है। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल में जहाँ साइटोप्लाज्म होता है वहां पे सेल ऑर्गेनिज होते हैं, बाकी के वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो क्या करता है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, कहते हैं ना। तो इसके हेल्प से क्या होता है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ये क्लियर हो गया था, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये एनर्जी की फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थर्ड बात में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बार क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जितनी रिक्वायरमेंट हमें ऑक्सीजन की होती है उतनी हमारी बॉडी को नहीं मिलती, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में फॉर्मेशन हो जाती है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और अगर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड अगर फॉर्म होता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में क्या आना शुरू हो जाता है, क्रैम्प आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू हो जाता है, क्रैम्प। यहां तक सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो फिर वापिस चलते हैं। देखो अब आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इन ऑल केसेस जो अभी तक आपने स्टेप पढ़े हैं, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट। यही है, ये सभी केसेस में क्या होता है, कॉमन होता है। थ्री पाथवेज में सभी के लिए ये वाला स्टेप कॉमन होता है, यही हमने अभी देखा, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म। कि जो ग्लूकोज है आपका वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरूवेट। ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6, पायरूवेट में 3 कार्बन, ठीक है। फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इंटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही हमने देखा अभी, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का यूज करके ब्रेक करते तो वो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट और एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और इसमें जो अदर प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, वाटर बनता है, जो अभी आपने देखा, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा इन माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। ज्यादा एनर्जी किसमें प्रोड्यूस होगी, एरोबिक, क्योंकि यहां पर क्या है ऑक्सीजन की, ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ये क्लियर हो गया। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस, यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स, जब हमारे मसल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कैसे, जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि मसल्स को उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तब क्या होता है, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट इज टेकन, ये थर्ड वाला था, इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई थी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, हेयर द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी थ्री कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है लैक्टिक एसिड। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प, अगर बहुत ज्यादा अगर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाए तो उसी से क्या आ जाता है, फिर क्रैम्प आया था, जैसे आपने स्पोर्ट्स वगैरह में एथलीट्स वगैरह को देखा होगा क्रैम्प आया था, उसका होने का रीजन यही होता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली, जो ऑक्सीजन की मसल्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से क्या था बॉडी में क्रैम्प आया था। समझ में आ गया, कितने पाथवे होते हैं, तीन कॉमन पाथवे। स्टेप वन क्या था कि जो आपका ग्लूकोज है कन्वर्टेड टू पाइरूवेट, और कहां पर होता है ये, साइटोप्लाज्म। इसके बाद थ्री स्टेप, स्टेप वन इन ईस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप टू इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहा जाता है, और तो माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी लॉट ग्रेटर देन एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप थ्री, पाथवे थ्री क्या था उसमें, मसल सेल में क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, समझ में आ गया, और उसी की वजह से क्या होता है क्रैम्प आते हैं। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होगी, चले आगे।